एक तरफ कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है, मंथन का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम सामने न आने को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता भी लगातार बीजेपी नेताओं के बयानों पर पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच ऊना में हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, कई मुद्दों पर घेरा बीजेपी को और कहा कि बीजेपी को अंकगणित नहीं आता, और अंकगणित समझाते हुए नजर आए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी ने जल्दबाजी में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब बीजेपी के कैडर की नाराजगी के चलते यह फैसला बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। अब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को बदलने पर विचार कर रही है। हमने प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस दिया, ये पूरा हिमाचल जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एज ए नेशनल पार्टी ओपीएस के खिलाफ रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम का इन्होंने सिरे से खारिज उसको करती रही है, और हमने प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार दिया, उनको बुढ़ापे में एक सहारा दिया, और ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी गई, और इसमें वो कर्मचारी गवाह हैं कि जो रिटायर हो रहे हैं और जिनको की पेंशन लग रही है उनको निर्धारित पेंशन से 10-10 गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है ओपीएस मिलने से। और भाजपा ने चुनाव से पहले, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ओपीएस का विरोध किया, आगे आगे जैसे जैसे समीकरण आगे बढ़ेंगे हर स्थिति में हम जो है एमएलए का बहुमत हमारे साथ रहेगा, चाहे वो 3 MLA जो है इंडिपेंडेंट अगर वो भी चले जाएं और उनका इलेक्शन हो जाए 59 का हाउस हो जाए तब भी हम 34 हैं। और तो भाजपा और अगर 68 का हाउस पूरा हो जाता है तो उस स्थिति में हमें सिर्फ 1 MLA की जरूरत है और उनको जो है 9 MLA की जरूरत है, 10 MLA की जरूरत है, जबकि ये संख्या बल वो कभी कैप्चर कर नहीं सकते। इसलिए अब बार बार ये बोल के प्रदेश की जनता को गुमराह करके कि 4 तारीख को हमारी सरकार हो जाएगी, कहाँ से आपकी सरकार हो जाएगी, किस समीकरण में आपकी सरकार हो जाएगी।